यही था आज का ब्लॉग, होप आप लोगों को ये ब्लॉग हेलो सो एकदम लाइट मेरे सन मेरे मुंह पे है। और गाइस एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्त रानी, वेलकम टू माय चैनल। और ये है मेरे दिन के चिकन चाय। सो ये चाय पी के मम्मी चली गई और मैं अपने काम पे लग गई। सो गाइस, बेसिकली मैं अभी क्या कर रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, घर सफाई कर रही हूँ आज। वैसे मुझे कुकिंग वुकिंग के से ज़्यादा ना क्लीनिनेस पे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं होता। सो अभी मैं कहाँ खड़ी हूँ, जहाँ पे खड़ी हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि साफ़ सुथरा ही है, पीछे भी साफ़ सुथरा ही है, लेकिन जो दिखता है वो वैसा होता नहीं है। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक्चुअली मैं कहाँ खड़ी हूँ। लुक, ये मेरे आगे पीछे आप देख सकते हैं, दूर दूर तक गंदगी है। क्या होता है कि जिंदगी में आप अगर अपने घर पे घर बना रहे हो ना, फोन रख लो, क्योंकि आप कभी भी घर बना रहे हो आपको दो चीज़ें कभी भी नहीं लेना है। दो चीज़ें क्या है, एक तो आपको क्या नहीं लेना है, टेबल नहीं लेना है, क्योंकि टेबल में जे मतलब बचपन से मैं देख रही हूँ टेबल कभी साफ रह ही नहीं सकता। आप साफ करो कुछ देर बाद ही वो गंदा हो ही जाता है, क्योंकि कोई भी आके कुछ भी रख देगा तो टेबल कभी साफ नहीं हो सकता। इसलिए टेबल लेना ही नहीं है कभी घर पे, आप ड्रायर बना लो। दूसरा, ये जो हमारे असमीज घरों पे होता ही है, ये आलना, आलना बोलते हैं बेसिकली, ये एक हैंगर है जहाँ पे हम कपड़े रखते हैं, लेकिन ये भी आपके घर पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ओपन कपड़ा रखने वाला जगह है। जहाँ पे आप ओपन कपड़ा कैसे रखते हो, घर का कपड़ा रखते हो, और घर के कपड़े इतने अच्छे भी तो नहीं होते कि आप इसे सामने ही लगा के रखो। दूसरा, इस पे आप सर जितने भी कपड़े होते हैं सेम साइज के नहीं होते, इसके लिए क्या होता है कि वो दिखने में इतना ज़्यादा गंदा दिखता है ना, क्या ये बताएं। फिलहाल मैं आज ना ये सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे टेबल्स ना दोनों टेबल ही इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो आज मैंने सोचा इसको साफ़ करते ही इसका बाकी पूरा घर में साफ़ कर लेती हूँ। सिर्फ ये एरिया हमेशा रह जाता है, मतलब नीचे से कर लेती हूँ ऊपर का रह जाता है, मतलब ऐसा लगता है आज नहीं करूँगी आज नहीं करूँगी, तो आज ना मैं करने की शुरू कर दिया है मैंने वैसे। और मैंने ऊपर ऊपर का जितना भी मकड़ी का जाल वगैरह था सब कुछ निकाल दिया है। फिलहाल अभी मुझे टेबल साफ़ करना है, बुक्स को पोंछना है, देन अच्छे से रखना है। कर लेते हैं, आप लोगों से देन मिलते हैं। हेलो हेलो, सो आप लोग सोच रहे होंगे टेबल एकदम खाली हो गया, साफ सुथरा हो गया, लेकिन यहाँ का किताबें किधर गए। तो एक्चुअली क्या हुआ, किताब के किधर है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इधर। ये दोनों टेबल का किताबें इधर चला गया। एक्चुअली क्या हुआ मैं बताती हूँ कि अभी ना बज चुका है देर, दोपहर के 1:30 बज गए हैं, और अभी तक घर पे खाना नहीं बना है क्योंकि मम्मी नहीं है, तो आज खाना मुझे बनाना है, खुद बना के खाना है। तो मैं सुबह से ही ये काम कर रही थी एक्चुअली, सिर्फ टेबल साफ़ नहीं किया पूरा घर, एक्चुअली आज मैंने दीवारें विवारे भी साफ़ किया। तो अभी 1:30 बज चुके हैं, मुझे भूख लगा, दूसरा मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तीसरा क्या हुआ कि टेबल इतना ज़्यादा भारी है और मैं खुद उठा रही थी ना, मतलब ऊपर किताबें थे तभी मैं ऐसे इसको इधर उधर कर रही थी, तो क्या हुआ 2-3 बारी ना मेरे पैर के ऊपर वो टेबल का वो कोना आ गया, तो मतलब मेरा पैर का हालत ऐसे मैं लंगड़ा रही थी। फिर मैंने कुछ कुछ डाल के अभी थोड़ा सा ठीक कर लिया है, तो इसके लिए मैंने सोचा कि किताबें आज नहीं ठीक करती हूँ, क्योंकि उसको भी एक एक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा चाहिए कौन सा नहीं, देन सबको पोछ के मतलब धूल मूल साफ करके ही रखना है। तो मैंने सोचा कल करूँगी वो, अभी मैं खाना बनाने आई हूँ, खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी,
थोड़ा सा चावल है उसी के साथ में थोड़ा सा वेजीज डाल के फ्राई कर लूँगी और खा लूँगी। तो मैं अभी जल्दी जल्दी से वो कर लेती हूँ क्योंकि भूख लगी है मुझे और खाने को कुछ नहीं है, मतलब बना हुआ कुछ नहीं है। चाय मैंने 2 बार पी लिया है और नहीं पीना है, तो वो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा वेजीज काट लिया है और इसको मैं यहाँ पे दे के फ्राई कर लूँगी। कुछ भी नहीं दूँगी, सिर्फ नमक एंड हल्दी, और इसको अच्छे से फुल फ्राई कर लूँगी कि बाद में इसको और फ्राई ना करना पड़े। इसको फ्राई करके मैं साइड में निकाल लूँगी और साइड साइड में मैं काटूँगी यहाँ पे प्याज, देन मिर्ची और टमाटर, इन सबको काटूँगी। जो वेजिस मैंने फ्राई किया है इसको साइड में निकाल लूँगी, देन फिर से यहाँ पे ऑयल दे के मैं क्या करूँगी, प्याज देन मिर्ची फ्राई करूँगी। ये थोड़ा सा फ्राई होते ही ये टमाटर, इसमें मैं दूँगी नमक, हल्दी और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इसको फ्राई करूँगी। देन इस पे जो वेजिस लिया था वो सब डाल के, चावल डाल के फ्राई कर लूँगी और बन गया मेरा खाना इजी सा। हेलो गाइस, सो मेरा हो चुका है खाना रेडी और आप लोगों को दिखाया कैसा लगा। एकदम क्विक सा होता है और अच्छा ही होता है, थोड़ा सा तैंगी फ्लेवर होता है, मुझे अच्छा लगता है ऐसा वाला फ्राइड राइस। सो बेसिकली मुझे बहुत कुछ नहीं करना था, लेकिन इसमें भी बहुत थोड़ा सा तामझाम है, लेकिन मैंने कर लिया और अभी मैं खा रही हूँ खाना। सो खाना खाऊंगी, देन थोड़ा सा सो जाऊंगी, हो सकेगा तो। देन हमें जाना है ट्यूशन, तो देखते हैं आप लोगों को और कब मिलती हूँ, बने रहिए। हेलो, सो एकदम लाइट मेरे सन मेरे मुंह पे है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ट्यूशन जा रही हूँ। एक्चुअली इसके बाद भी मेरा एक ट्यूशन था जो कि मेरे घर के पास है, और अभी जो ट्यूशन है वो मतलब रास्ता क्रॉस करके जाना है, पूरा पहाड़ी के नीचे से जाना है। तो मुझे वो ट्यूशन भी, उसके इसके पीछे वाला ट्यूशन भी करना था, लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब लाइट के तार पे कुछ कोई कुछ पेड़ गिर गया है, तो इसके वजह से करंट नहीं है। कब से करंट नहीं है मुझे पता नहीं था, तो अभी मुझे पता चला कि करंट नहीं है, तो मैं बाद में क्या करूँगी, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि मम्मी भी नहीं है, अकेले बिना करंट के रहना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आज मैंने वो ट्यूशन मिस कर दिया है, अभी मैंने बोला कि आज नहीं करूँगी, कुछ देर कभी बाद में मैं इसको ठीक बाद में कर दूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन, एक ही ट्यूशन करूँगी, देन मैं जाऊँगी घर, और घर मतलब दीदी के घर जाऊँगी। आज बहुत दिन से नहीं गई, उस दिन गई थी लेकिन मैं ऐसे दिन में गई थी और शाम को वापस आ गई जिस दिन सिंटेक्स लाई थी। और आज मैंने ब्लू आईलाइनर लगाया है और मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे फेस पे ना थोड़े थोड़े पिंपल आने शुरू हो गए हैं, पता नहीं क्यों। और उस दिन वो सिंटेक्स लाई थी ना, उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे इतना ज़्यादा मेहनत करवाते हैं भगवान, कि कभी कभी इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा भी क्या गलती कर दिया था जो इतना ज़्यादा मेहनत, इतने सारे सामान मुझे इस पहाड़ पे उठाना पड़ता है, देन दिन में 3-4-5 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, कभी कभी 3 बार, कभी कभी 4 बार, फिर डिलीवरी बॉय आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ऐसा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैं जितनी भी लड़कियों से मिलती हूँ उन लोगों का लाइफ इतना ज़्यादा मतलब आसान सा है, कुछ नहीं करना पड़ता, और मुझे साबल से लेकर सिलेंडर तक, करंट के बिल से लेकर मतलब अपने नेल पॉलिश तक, गर्ल वाला काम भी और बॉय वाला काम भी, सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, टेंशन लेना पड़ता है कि बिजली की बिल मैंने दिया कि नहीं, या फिर घर पर सिलेंडर है कि नहीं, फिर चावल है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, सब कुछ ऐसे क्यों देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है मेरा भी लाइफ अगर दूसरों के जैसा इजी होता तो कितना ही अच्छा होता, लेकिन कोई नहीं, मैं काम करने से नहीं डरती। लेकिन कभी कभी ऐसे महसूस होता है, जैसे उस दिन मैं एकदम पाइप पाइप उठा के लेके जा रही थी, मुझे ना अंदर से ऐसा फीलिंग हुआ ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था, या फिर मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा होता तो तब भी शायद लाइफ थोड़ा सा आसान होता, लेकिन कोई नहीं यार, ज़िंदगी है इसको चलाना है। सो आज मैं ट्यूशन में लेट हूँ, एक्चुअली मुझे 5 बजे ट्यूशन पहुँच जाना चाहिए था, बट अभी 5:30 होने को आया है, मैं ट्यूशन नहीं पहुँची क्योंकि ऑलरेडी मैंने ट्यूशन वाला ड्रेस पहन के मैं घर से निकल गई थी, देन मुझे पता चला एक्चुअली कारण के बारे में, तो इसके लिए मैं फिर घर गई, फिर ड्रेस चेंज किया, फिर अभी जा रही हूँ। तो चले चलते हैं, ओह
गर्मी कितना है हमारे इधर पे, और करंट भी नहीं था, तो मैं ऐसे जैसे तैसे रेडी होके आ गई। और क्या बताऊँ, ठीक है आप लोगों से मिलती हूँ, बाबू को मिलूँगी, अच्छा लग रहा है। बाबू बड़ा हो गया है वैसे, कभी कभी उसके बारे में सोचती हूँ तब भी ऐसा लगता है, ओह माय गॉड लाइफ कैसा है ना। उस दिन आज से 3-4 महीने पहले हम बाबू से मिले थे, वो टिकलू सा बच्चा था, और देखते देखते हमारे आंखों के सामने ही वो बड़ा हो रहा है, वो हंसने लगा है। कुछ कुछ दिन बाद शायद वो मासी बोलेगा, माँ बोलेगा, पापा बोलेगा, नानी बोलेगा, तो ये सब सोच के ही कितना अच्छा लगता है ना। लाइफ ना हैपनिंग हैपनिंग है, आप अगर देखने जाओ, जैसे आज के बारे में मैं कुछ अलग सोच रही थी और हो गया कुछ और, तो यही है लाइफ। सो लाइफ यही है कि आप कुछ भी सोचो, ऊपर वाला को जो मंजूर है, बोलते हैं ना जो मंजूर है खुदा होगा, तो वो मंजूर है खुदा जो होगा वही होगा, अदरवाइज आप कुछ भी कर नहीं सकते। और इस सन की वजह से इतना अच्छा ग्लो आता है, मुझे अच्छा लगता है। चलो अभी चलते हैं, कैसे दिख रही हूँ मैं, ये इसलिए था कि मैं थंबनेल लगा सकूँ। चलो चलती हूँ। The next day. हेलो सो नेक्स्ट डे, और एकदम जोरों शोरों से बारिश हो रही है पीछे, जोरों शोरों से बारिश हो रही है। मेरा मुंह थोड़ा सूजा हुआ है क्योंकि कल एक कीड़ा है ना, अभी इस मौसम में निकलता है आउच पानी, सो वो कीड़े ने मुझे काट लिया और पूरा मुंह ऐसे फूल गया मेरा। अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पूरा कम नहीं हुआ। मैं ट्यूशन गई थी सुबह, देन वहाँ से आई और अभी घर पे चाय बन रहा है और बारिश, अच्छा लगता है ना बारिश, मुझे तो अच्छा लगता है। घर से जब निकलना ना पड़े तब अच्छा लगता है, लेकिन जब निकलना पड़े बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो हम इंजॉय कर रहे हैं, अभी चाय पियेंगे हम लोग। और मेरा मुंह ना थोड़ा सा कैसा हो गया है, ये देखिए ना आँख अभी भी एबनॉर्मल लग रहा है। ऐसे ही मैं ट्यूशन चली गई थी और देखिए ना, और कुछ देर बाद ना ये काला काला हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे खुजली किया कि शायद इसका ना ऊपर का जो चमड़ी है वो निकल गया होगा, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है फिलहाल। सो अभी मैं इसको ऑफ करती हूँ, मैं बारिश दिखाने लाई थी आप लोगों को, और बाबू बाबू को आप लोग को दिखाना है आज, बने रहिए, आज बाबू दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा चाय और हलवा रेडी है, तो इसको खा लेती हूँ। हेलो कैसे हैं आप लोग, मैं ठीक हूँ। और देखिए ना थोपड़ा, तो मैंने हेयर पे ऑयल लगा लिया है क्योंकि छुट्टी है, आज सुबह ही मेरा काम ख़त्म, कल तक मुझे कहीं जाना नहीं है, तो ऑयल लगा लिया। और साथ में मैं बना रही हूँ मैगी, एक्चुअली मैगी नहीं, ये नेपाली मैगी है, हमारे इंडिया का नहीं है, ये नेपाल का दूसरा नाम है रामपम, तो वो बना रही हूँ। ये सारे मसाले मसाले, और फिर ये भी मसाले। सो अभी मैं ये बनाती हूँ, देन आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया। आजकल इतना ज़रा कुकिंग खा रही हूँ ना, जीजू आ गए मेरा। अगेन रेसिपी, यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे मैगी है इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, मसाले साइड में मैंने काट के रेडी कर लिया है, जो भी मतलब पैकेट मसाला आया है इसके साथ। देन यहाँ पे मिर्ची और प्याज और यहाँ पे 2 एग, एकदम इजी सा रेसिपी है। यहाँ पे मैंने तेल दे दिया है, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता, शायद बिहार के साइड में मिलता होगा। देन यहाँ पे मैंने दिया है प्याज मिर्ची, इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बिहार नेपाल के पास है इसीलिए बिहार के साइड में मिलेगा, क्योंकि ये नेपाल का है। और यहाँ पे ये मेरा फ्राई हो गया, तब तक मैंने यहाँ पे दे दिया अंडा, अंडा भी फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैं नमक बिल्कुल भी नहीं दूँगी, क्योंकि मसालों में अच्छे से नमक रहता है, तो इसमें मतलब एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना होता है, तो ये मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देन यहाँ पे मैं दे दूँगी अपना मैगी, और मैगी देके
इसमें क्या करूँगी, मैगी पहले इसके साथ मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देन ये ना थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी रहेगा जब तक मैं यहाँ पे इसी का मसाला नहीं दूँगी, क्योंकि इसका मसाला ही इसको तोड़ता है अच्छे से। तो इसके साथ जितने भी मतलब मसाला आता है सब कुछ देने के बाद ये इतना ज़्यादा टेस्टी दिखता है। फाइनली रेडी, रामपम रेडी। और फिर शाम को मैंने खाया ये दही। सो गाइज, यही था आज का ब्लॉग। होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यही से मैं दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी, जहाँ पे मैं अपनी दीदी का सेकेंड बर्थडे आप लोगों को दिखाऊँगी। क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल।